सो है गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल विद अ न्यू ब्लॉग वीडियो। सो मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हो विजयराज मेहता ब्लॉग। तो फ्रेंड, जैसे कि वीडियो में देख पा रहे हो, मैं आया हूँ सीसीएल कॉल एरिया और मैं यहाँ आज फुल्ली एक्सप्लोर करूँगा। फ्रेंड, यहाँ पूरा अच्छा तरह से एक्सप्लोर करूँगा। ऐसा वीडियो किसी यूट्यूबर ने आज तक वीडियो में अपलोड नहीं किया होगा। तो मैं बहुत ही अच्छे तरह से पूरा सीसीएल कोलफील्ड एरिया को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो, तो ज़्यादा ना देर करते हुए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बने रहे वीडियो में। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। तो ये रहा फ्रेंड कोलियरी एरिया का प्रवेश द्वार, देख सकते हो हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स मैं कोयला खदान पे आ चुका हूँ और देख सकते हो यहाँ का पूरा चारों तरफ मेरे आसपास 90 डिग्री एंगल से मैं दिखाता हूँ, चारों तरफ मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ चारों तरफ कोयला है फ्रेंड, देख सकते हो। और यहाँ कुछ अंकल लोग जो देख सकते हो वीडियो में काम कर रहे हैं और ये कोयला डंपिंग करके वो डोजर और जो भी उस सब में भर रहे हैं। तो देख सकते हो फ्रेंड्स सब काफ़ी मेहनत करते हैं ये लोग भी, जैसे कि देख सकते हो ये कोयला खदान के अंदर पे हो फ्रेंड्स, यहाँ से घुसने का रास्ता है देख सकते हो सीधा, वहाँ से हर कोलकाता लोग यहीं से जाते हैं और यहीं से कोयला निकलता है और मलकट्टा लोग जितना भी है यहीं से कोयला निकालते हैं फ्रेंड। तो देख सकते हो ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और सीधा दिखा दो भाई कैमरा, देख सकते हो कुछ लोग आ रहे हैं कोयला निकाल के, देख सकते हो फ्रेंड्स लाइट जल रहा होगा। फ्रेंड ये सब लोडर सब देख रहे हो, ये सब कोयला इधर उधर करने का काम आता है, हटाने का काम आता है, एक जगह जमा करने का काम आता है। तो ये सब देख रहे हो काफ़ी बड़ा बड़ा गाड़ी है फ्रेंड, और चारों तरफ देख रहे हो किस तरह चारों तरफ जिधर जाएगा गाड़ी है फ्रेंड, जिधर आपका नज़र जाएगी उधर बस गाड़ी है। और कुछ ख़राब भी बंद पड़े हुए हैं फ्रेंड, देख सकते हो वीडियो में। तो फ्रेंड वीडियो में जैसे देख पा रहे हो कुछ लोग यहाँ काम कर रहे हैं जो गाड़ी का देख रेख करते हैं वो लोग हैं फ्रेंड्स, और कुछ गाड़ियाँ बंद पड़ी हुई है और यहाँ भी कुछ काम हो रहे हैं। तो फ्रेंड जाते जाते मैंने एक वॉल पेक देखा जो कि आप लोग भी वीडियो में देख सकते हो, तो मुझे लगा ये व्हील यानी टायर ये काफ़ी बड़ा है, तो मैं अभी जाके दिखाऊँगा वीडियो में, आप लोग देखो और कमेंट में बताना फ्रेंड्स कि कैसा लगा। तो चलते हैं और दिखाते हैं, ये चक्का मेरे से भी बड़ा है वो देख सकते हो फ्रेंड, मैं इतना ही आ रहा हूँ और आगे भी चलेंगे और आगे भी दिखाएंगे और यहाँ कैसे कोयला लोड होता है कैसे क्या होता है पूरा फुल्ली तरह से एक्सप्लोर करूँगा फ्रेंड। ऐसा वीडियो कोई भी यूट्यूबर ने नहीं बनाया होगा, तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला। तो फ्रेंड देख सकते हो मैं किस लोकेशन पर हूँ, ये स्वांग है फ्रेंड, देख सकते हो यहाँ चारों तरफ का नज़ारा और व्यू और सिनेमेटिक्स। तो अभी मैं जिस लोकेशन पर खड़ा हूँ ये स्वांग है। वो फ्रेंड्स मेरे साथ दो भाई आए हुए हैं मेरा हेल्प करने के लिए, ये संजय है और ये संतोष मेरा भाई जो कि काफ़ी अच्छा है दोनों। तो अभी हम लोग साथ में ही चलेंगे ना भाई लोग, तो साथ में ही चलेंगे और साथ में पूरा डिफाइन करेंगे, तो बने रहे। देख पा रहे हो ये हॉल पैक में अभी ऊपर चढ़ गया और यहाँ मन करा एक फ़ोटो शूट करने का, तो मैं फ़ोटो शूट करा और चारों तरफ से यहाँ का नज़ारा देख रहा हूँ, बहुत ही अच्छा नज़ारा है फ्रेंड्स। और देख सकते हो मेरा पोज भी काफ़ी अच्छा है और बहुत अच्छा लगा यहाँ शूट करके। तो फ्रेंड्स वीडियो में जैसे देख पा रहे हो मैं अभी दिखाने वाला हूँ ट्रक में लोड कोयला होके जा रहा है और एक देख सकते हो खाली गाड़ी है फ्रेंड्स, देख सकते हो वीडियो में। तो फ्रेंड जैसे कि वीडियो में देख पा रहे हो मैं अभी पूरा कोयला टिप्पो में खड़ा हूँ फ्रेंड, देख सकते हो वीडियो चारों तरफ कोयला और यहाँ देख सकते हो कोयल कर्मियों लोग काम कर रहे हैं। डाल डाल ले ले ऊपर में भी देख सकते हो फ्रेंड ट्रक दिख रहा होगा आप लोगों को और वहाँ पे भी कोयला डंपिंग और ये किया जा रहा है और भरा जा रहा है, तो देख सकते हो वीडियो में चारों तरफ। ये हॉल पे गाड़ी सब कोयला लेके जा रहा है, ये कांटा घर के पास गिराएंगे और फिर वहाँ से ट्रक में लोड होगा और फिर यहाँ से ऐसे ही झारखंड से बाहर जाते हैं फ्रेंड्स कोयला। तो देख सकते हो वीडियो में और देख सकते हो पूरा चारों तरफ कोयला है फ्रेंड्स हर तरफ, और कोयल कर्मी लोग भी है इधर और देख सकते हो इधर भी कुछ कोयल कर्मी लोग काम कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा।
यहीं पे गार्ड रहते हैं और ये कांटा घर का सीन है फ्रेंड, देख सकते हो कांटा घर का नज़ारा कुछ इस तरह का है। और यहीं पे देख सकते हो कोयला कैसे इधर उधर किया जाता है, ये जो गाड़ी दिख रही है इससे इधर उधर किया जाता है कोयला को। और देख रहे हो यहाँ काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, इधर उधर कोयला हटा रहे हैं और ये सब भी ट्रक में लोड करते हैं। जितने लोग आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सब ट्रक में लोड करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो फ्रेंड्स ये कैसे लोड किया जा रहा है कोयले को, वीडियो में देख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये सब जो ट्रक देख रहे हो लाइन बाय लाइन खड़ी है, ये सब कोयला लोड हो चुकी है। और यहाँ कांटा घर है, यहाँ पे देखेंगे कि कितना लोड हुआ है, कितना ये है वजन है, उसके हिसाब से यहाँ से फिर ट्रक निकलेगी। देख सकते हो लाइन बाय लाइन यहाँ काफ़ी ट्रकें खड़ा है और यहाँ गार्ड भी रहते हैं देखने के लिए, और यहाँ देख देख के निकालते हैं सबको यहाँ से। फ्रेंड जैसे कि देख सकते हो मैं अभी जिस खदान पे हूँ, ये यहाँ पानी निकलने के कारण ये खदान बंद हो चुका है। मिनिमम 15 या 10 साल हो चुका होगा फ्रेंड, तो ये खदान बंद हो चुका है पानी निकलने के कारण। अभी चलेंगे हम लोग आगे, वीडियो में बने। तो यहाँ से खदान के अंदर जाते हैं कोयला कट्टा लोग और अंदर से कोयला निकालते हैं। ये अभी बंद पड़ा हुआ है फ्रेंड्स। फ्रेंड ये है अटेंडेंस रूम यानी कि हाजिरी घर, यहाँ रोज हाजिरी बनाना पड़ता है सबको, यानी अटेंडेंस देनी पड़ती है यहीं पे सबको। फ्रेंड्स देख पा रहे हो ये बत्ती घर है, यहाँ से बत्ती लेके खदान के अंदर जाना पड़ता है यहाँ से बत्ती लेके। और कुछ ट्रॉली भी दिख रही है वहाँ, वो सब ट्रॉली भी खदान के अंदर जाते हैं। और देख सकते हो फ्रेंड्स वो सब भी कोयला निकालता है और यहाँ कुछ इस तरह का है नज़ारा, तो देख सकते हो। तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। तब तक के लिए बाय बाय।